किया मोटर्स जिनकी पहली गाड़ी इंडिया में सिर्फ 4 साल पहले आई थी, जिसका नाम था किया सेल्टॉस, और लॉन्च होने के बाद ये इंडिया के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमेकर बन गए थे, क्योंकि इन्होंने 3.5 सालों में 6 लाख से ज्यादा डिलीवरीज प्रोवाइड कर दी थी, जो कि इंडिया का आज तक का सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट है आफ्टर महिंद्रा। जिसमें कि अगर मैं आपको इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ब्रेकडाउन दूं, तो 2019 में अगस्त के बाद इन्होंने 45,000 डिलीवरीज प्रोवाइड करी थी, जो कि चलो काफी बढ़िया नंबर है। 2020 में इन्होंने 1,40,000 डिलीवरीज प्रोवाइड करी, जो कि कुछ ज्यादा ही बढ़िया नंबर है। 2021 में इन्होंने 1,82,000 डिलीवरीज प्रोवाइड करी, 2022 में इन्होंने 1,87,000 डिलीवरीज प्रोवाइड करी, और इस साल 2023 में एक्सपेक्टेड है कि ये 3 लाख के आसपास डिलीवरीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया नंबर है कि ऐसी कंपनी के लिए जो सिर्फ 4 साल पहले आई है इंडिया में। और इस कंपनी की सेल्स मोस्टली ज्यादा रहती है टोयोटा होंडा से, जो कि इतने सालों से इंडिया में है, और बीच में इन्होंने महिंद्रा को भी ओवरटेक कर लिया था, जो कि इंडिया की खुद की कंपनी है और इतने सालों से है इंडिया में। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किया ने ये माइलस्टोन कैसे अचीव करा, वो भी सिर्फ 4 सालों के अंदर। और मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाला कि इस गाड़ी में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, सनरूफ मिलती है, इस गाड़ी की बढ़िया सेल हुई, एकदम वैलिड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करी है। तो सबसे पहले हमें किया की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा इंडिया में। तो 2017 में जो बाहर वाले किया मोटर्स है वो इंडिया में अपनी सब्सिडियरी लॉन्च करती है, जो की होती है किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जब वो अपने प्लान बता रहे थे तो उन्होंने बोला था कि वो 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। फिर 2018 के ऑटो एक्सपो में किया अपनी जो बाहर वाली लाइनअप है उनकी, उसमें से कुछ गाड़ियां इंडिया में शोकेस करती हैं, फॉर एग्जांपल रियो, स्पोर्टाज, सोरेंटो, और वो अपनी SP2i भी शोकेस करते हैं, जो कि उनका एक इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। ये बेस्ड होता है क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म पे, और ये प्रोडक्ट स्पेशली इंडिया के लिए डेवलप करा गया था। फिर जनवरी 2019 में इस गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाती है, इसके स्पायर शॉट्स आते हैं, और फिर जून 20 को ये गाड़ी ऑफिशियली इंडिया में अनवील हो जाती है। इस गाड़ी का नाम होता है किया सेल्टॉस। इसमें आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, उस टाइम पे इसमें आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिलता है, वेंटिलेशन वाली सीटें मिलती हैं, किया कार कनेक्ट वगैरह आपको इसमें मिलता है, और ये गाड़ी बहुत ज्यादा अप मार्केट होती है एज कम्पेयर टू जो इसके सेगमेंट में गाड़ियां आती थी, क्योंकि इस टाइम पे उस सेगमेंट में आती थी डस्टर, किक्स और क्रेटा पुरानी वाली। तो ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही एडवांस थी अपने सेगमेंट से। तो पहले दिन इसकी बुकिंग जब ओपन हुई तो इसकी 6,000 बुकिंग आ गई, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है स्पेशली उस टाइम पे। 30 दिन के अंदर इसकी 35,000 बुकिंग्स हो गई, और पहले 3 महीने में इसकी 85,000 बुकिंग्स आ चुकी थी किया के पास, जो कि कुछ ज्यादा ही बढ़िया नंबर है एज कम्पेयर टू कोई भी और मैन्युफैक्चरर जो कि काफी लेट आया इंडिया में, फॉर एग्जांपल सिट्रिन या फिर MG। तो आखिर किया ने ऐसा किया ही कैसे? तो फिर इस पे मैंने रिसर्च करी काफी, और मेरे को 5 मेजर पॉइंट्स मिले हैं जिससे कि किया ये कर पाए। जिसमें कि जो पहला पॉइंट है वो ये है कि किया का इंडिया में फोकस काफी अलग था एज कम्पेयर टू कोई भी और मैन्युफैक्चरर जो कि काफी लेट आया इंडियन मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल सिट्रिन या फिर MG। तो नॉर्मली जितने भी कार ब्रांड्स आते हैं इंडिया में वो क्या करते हैं कि उनकी कोई बाहर की गाड़ी होती है जो कि बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है, और उस वाली गाड़ी का सेगमेंट इंडिया में काफी ग्रो कर रहा होता है, तो वो उस सेगमेंट में वही गाड़ी लॉन्च कर देते हैं जो वो बाहर बेच रहे हैं, रादर देन उसको इंडिया की मार्केट के हिसाब से डेवलप करना। लेकिन किया ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने अपनी SP2 ली जो कि वो बाहर बेचते थे, उसको इंडिया के हिसाब से चेंज करा, उसकी स्ट्रेंथ कम करी, उसमें फीचर्स ऐड करे, और फिर जाके उन्होंने SP2i या फिर किया सेल्टॉस को लॉन्च करा इंडिया में। क्योंकि जो किया वाले थे उनको पता था ऑलरेडी कि जो इंडियन मार्केट है उनको स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी की सेफ्टी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको उनकी गाड़ी में 10 इंच की स्क्रीन दे दो, सनरूफ दे दो, तो गाड़ी आपकी बढ़िया परफॉर्म करेगी। और ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करें जो उनकी सेकंड गाड़ी इंडिया में आई थी उनकी कार्निवल, तो वो उनका एक बाहर का प्रोडक्ट था जो उन्होंने इंडिया में डायरेक्ट लॉन्च कर दिया, और हमको पता ही उसके साथ क्या हुआ, कितनी ज्यादा उसकी अच्छी सेल्स होती है। और किया से सीख लेने के बाद इन बाकी सारे ब्रांड्स ने भी, फॉर एग्जांपल MG, सिट्रिन, स्कोडा, VW, इन्होंने भी इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं, क्योंकि इनको भी समझ आया कि हाँ इंडियंस को ये चाहिए या फिर ये नहीं चाहिए, और तब से इनकी सेल्स काफी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करी है जब से इन्होंने इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं। फिर जो सेकंड रीजन है किया के सक्सेस के पीछे वो है उनके सेगमेंट्स को टारगेट करना, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले शुरू करा क्रेटा वाले सेगमेंट में, क्योंकि ये सेगमेंट उस टाइम पे काफी ज्यादा ग्रोइंग था, इसमें गाड़ियां थी नहीं ज्यादा, बस क्रेटा चला रही थी इस पूरे सेगमेंट को। तो फिर उन्होंने इस सेगमेंट में अपनी एक अप मार्केट गाड़ी लॉन्च करी जो कि बहुत बेटर थी एज कम्पेयर टू क्रेटा, और फिर हम सबको पता ही है क्या हुआ, इस गाड़ी की कितनी बढ़िया सेल हुई। तो फिर ये जो ब्रांड है उसको ये पता चला इंडिया में कि जो 4 मीटर से कम लेंथ की गाड़ियां हैं या फिर जो 1200 cc से कम इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली गाड़ियां हैं उन पे इंडिया में टैक्स काफी कम लगता है, इसलिए जो वेन्यू, ब्रेजा, इन सब की सेल्स काफी इंक्रीज कर रही थी, जो बेसिकली सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV वाला सेगमेंट है। तो फिर उन्होंने उसी सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च
करी जो कि थी उनकी सोनेट, और उस गाड़ी की भी काफी ज्यादा बढ़िया सेल्स होती है। और इसी वाले पॉइंट में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि किया को उनकी सेल्टोस के लॉन्च के बाद ये पता चल गया था कि इंडिया में एसयूवीज की डिमांड ही ज्यादा होने वाली है और सेडान्स की डिमांड ओवर द टाइम काफी कम होने वाली है। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो कोई भी सेडान इंडिया में लाएंगे ही नहीं, जो कि ये काफी सही मूव है एज पर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जो अगला पॉइंट है वो है नेपोटिज्म, जिसमें कि हाँ लोगों को पता था कि जो किया की बड़ी बहन है हुंडई, उसकी काफी बढ़िया पहचान है इंडिया में, उनकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस काफी बढ़िया है, इसलिए लोगों को काफी हद तक ये विश्वास हो गया था कि किया में भी वैसी ही आपको चीजें मिलेंगी जैसी आपको हुंडई में मिलती है, वैसी ही उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी जैसी आज हुंडई की है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो हाँ, हम कह सकते हैं इस ब्रांड के पास थोड़ी सी नेपोटिज्म थी एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी ब्रांड्स इंडिया में आए हैं। तो पहले से ही इस ब्रांड को एक स्टेज मिल गया था जहाँ पे जाके ये बैठ गए और फिर वहां से इनकी काफी बढ़िया ग्रोथ हुई, सक्सेस हुई। तो दोस्तों, हमने अनन्या पांडे का स्ट्रगल देखा है और उतना ही स्ट्रगल किया ने किया इंडिया में, तो हम ये कह सकते हैं तो किया इज इक्वल टू अनन्या पांडे ऑफ कार्स एंड अनन्या पांडे इज इक्वल टू किया ऑफ कार्स। फिर जो अगला पॉइंट है जो कि हाँ हम नेपोटिज्म में ही ऐड कर सकते हैं, जो कि है उनके डीलरशिप्स और उनकी आफ्टर सेल सर्विस, जिसमें कि उनको जो हुंडई थे उनके सारे डीलरशिप के टच पॉइंट्स मिल गए जब वो इंडिया में आए। तो जब किया ने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करी थी जो कि उनकी सेल्टोस थी, उसी टाइम पे उन्होंने 265 डीलरशिप्स भी अनाउंस करे थे इंडिया में उसी टाइम पे ओपन होने के लिए। वेयर एज अगर हम सिट्रोइन की बात करें तो उन्होंने 11 डीलरशिप्स ओपन करे थे जब उनकी C5 एयरक्रॉस लॉन्च हुई थी, जिससे लोगों को ये विश्वास हो पाया कि हाँ अगर वो गाड़ी खरीदते हैं तो उनको सर्विस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो जा सकते हैं अपनी पास वाली डीलरशिप पे, वहाँ पे सर्विस करा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। हाँ, जो बाकी कंपनीज है उनकी सर्विस काफी ज्यादा अच्छी होती है, पर क्योंकि उनके टच पॉइंट्स नहीं है इंडिया में या फिर बहुत ही कम है, इसलिए उनकी सेल्स काफी कम हो रही है। क्योंकि इंडियंस को ये लगता है कि अगर मैंने गाड़ी ले ली और कल को उसमें कोई ब्रेक डाउन हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। और फिर जो लास्ट पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों को थोड़ा सा अलग तरीके से प्लेस करा था सेगमेंट्स में ही। फॉर एग्जाम्पल, जब सेल्टोस लॉन्च हुई तो उस टाइम पे इस सेगमेंट में क्रेटा आती थी, डस्टर आती थी, पर उन्होंने क्या करा, इन दोनों गाड़ियों से एक अपमार्केट फील दी अपनी गाड़ी को और उस पे एक प्रीमियम चार्ज करा 1-2 लाख रुपए का, जिससे कि लोगों को वो वैल्यू फॉर मनी लगता भी था और इससे वो ज्यादा प्रॉफिट्स भी एक्सट्रैक्ट कर पाते थे अपनी गाड़ियों से। और भले ही लोगों को पता हो कि हुंडई और किया एक ही ब्रांड है, उनके प्लेटफॉर्म सेम है, गाड़ियां सेम है, पर किया एक ज्यादा प्रीमियम ब्रांड है एज कम्पेयर टू हुंडई, ऐसा लोगों का माइंडसेट बन गया था। उनकी लुक्स थोड़ी सी बेटर थी, उनमें फीचर्स थोड़े से ज्यादा थे, इसी वजह से किया की काफी बढ़िया सेल हुई इंडिया में। वैसे तो मेरे पास और भी पॉइंट्स है आपको बताने के लिए किया की सक्सेस के पीछे, पर अगर मैं आपको सारे पॉइंट बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना और प्लीज सब्सक्राइब करना।